मेरा नाम ज्योति डोगरा, मैं लुधियाना तो हाँ। मेरा वेट 115 केजी सीगा। फिर मैं डॉक्टर अमित सूद जी ने कॉन्टैक्ट किया। जो इन्हों मैं पहली बार मिली तो मैं उन्होंने को पहली बार गल करके मैं उन्होंने को अपनी सर्जरी की डेट लै ली सी। मेरा वजन 115 किलो सी, मैं सह लैन की प्रॉब्लम, मेरे गोड्यां च पेन, पैर मेरे स्वेल हो जाते। इन्होंने मेरी सर्जरी 17 मार्च में की। तो उस वेले मेरे हस्बैंड मेरे नाल है, दोनों जाने 3 दिन के डिस्चार्ज हो गए। तो चौथे तीसरे दिन मैं घर चली गई। जो मैं इतने आया से मेरा वजन 116 किलो सीगा। मैं शुगर नाल भी ग्रस्त सीगा, नाल मैं हाइपर टेंशन सी। जो मैं डॉक्टर अमित सूद जी ने मिलिया, जिदे मैं गोडिया की प्रॉब्लम घट गई है, जिदा मेरा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो रहा। अब मेरा फस्ट फॉलोअप है, तो मैं अपना वेट इतने किया, तो मेरा अज 106 किलो वजन हो गया, यानी कि मेरा 10 किलो वजन घट चुका। हैलो जी, मेरा नाम ज्योति डोगरा, मैं लुधियाना तो हाँ, तो मैं हाउसवाइफ हाँ। मेरा वेट 115 केजी सीगा। तो मेरी फ्रेंड सी, एक मेरे नेबर, तो वो मैं मिले, तो उन्होंने मैं देखा कि उन्होंने वेट 130 केजी सीगा। तो उन्होंने इतों सर्जरी करवाई, तो जो वो सर्जरी करवा आए तो मेरे मन में कुछ शंका सीगियाँ कि शायद भी वो वापस आएंगे कि नहीं। बट मैं उन्होंने देखा 11 महीनों के उन्होंने 50 केजी लूज़ किया। तो जेड़े वो 2 कदम चल भी नहीं सकते, वो अज बिल्कुल एक्टिव ने, अपने सारे काम घर के, ईवन अपने लिए भी केयर नहीं कर पाते। उन्होंने मीट्स रखी हुई, बिल्कुल एक्टिव से। तो फिर मेरे मन च भी आया कि मैं क्यों नहीं इस चीज़ को अपना सकती ज करा सकती। फिर मैं डॉक्टर अमित सूद जी ने कॉन्टैक्ट किया, तो इन्हों गलबात करके मैं पता चलिया कि इन्हों की OPD एक लुधियाने भी होंगी है। फिर मैं इन्हों मिली 5 मार्च में। जो इन्हों मैं पहली बार मिली तो मैं उन्होंने को पहली बार गल करके मैं उन्होंने को अपनी सर्जरी की डेट लै ली सी, जिहड़ी डेट उन्होंने मैं 16 मार्च दी। नैक्सट फिर मैं मोगा आके उन्हों को 16 मार्च में सर्जरी कराई। उस वेले मेरा वजन 115 किलो सी, मैं सह लैन की प्रॉब्लम, मेरे गोड्या च पेन, मैं रात को सौन च दिक्कत बहुत ज़्यादा सी, बैक पेन बहुत ज़्यादा सी, पैर मेरे स्वेल हो जाते सी। उहदे लई मैनू भी दवाइया लगिया सी, बाथरूम की प्रॉब्लम सी, मैं बाथरूम इकट्ठा हो जाता सी, स्टोर हो जाता सी, ते मैनू पैरां ते स्वैलिंग, फेस ते स्वैलिंग ये बड़ी प्रॉब्लम सीगियां। इन्हां ने मेरी सर्जरी 17 मार्च में की। तो उस वेले मेरे हस्बैंड मेरे नाल है, दोनों जाने 3 दिन दे विच डिस्चार्ज होकर सर्जरी करा के लिकुअड डाइट इन्होंने मेरी इत्थे स्टार्ट करा के जो मेरा डाइजेशन सही लग्या, तो चौथे तीसरे दिन मैं घर चली गई। उस तो बाद फिर मेरे हस्बैंड का वेट सीगा 116 किलो। तो उन्होंने डायबिटिक भी सी, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम भी सी। तो फिर इन्हों भी मैं कहा कि तुम भी करा लो, भी वो कहें डॉक्टर साहब भी इन्होंने आ प्रॉब्लम सारिया ठीक हो जाएगी। फिर इन्होंने भी मन बनाया कि चलो मैं भी कराना। तो इन्होंने सर्जरी 15 दिन पहले इतों करवाई। बाकी सारा एक्सपीरियंस मेरे हस्बैंड तुम अपना शेयर करेंगे। जो मैं इतने आया से मेरा वजन 116 किलो सीगा, तो मैं शुगर नाल भी ग्रस्त सीगा, नाल मैनू हाइपर टेंशन सी, नाल मेरे गोड्या च भी दर्द शुरू हो गई सी, हार्ट वालों भी मैनू थोड़ी दिक्कत आ रही सी, तो डिस्क की प्रॉब्लम तो मैनू हैगी हुई सी। तो जो मैं डॉक्टर अमित सूद जी ने मिलिया, इन्हों की नेचर भी वैसे ही बहुत अच्छी सी, क्योंकि पहला वाइफ का मैं ऑपरेशन करवा चुका सीगा, तो मैं कॉन्फिडेंस सी कि मैं वधिया हो जाऊँगा इतने ऑपरेशन करा के। तो जो मैं अज ऑपरेशन करा लिया, अज मैं 15 दिन हुए ने, मेरा फस्ट फॉलोअप है, तो जिदे मैं गोडिया की प्रॉब्लम घट गई है। BP तो मेरा बिल्कुल ही नॉर्मल आने लगे, जोड़ा कि मेरा 180 150 और नीचे वाला 100 आता सीगा, वो अज की डेट से मेरा जोड़ा BP है 125-85 इस तरह आ रहा है, जिदा मेरा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो रहा है। शुगर जी मेरी 350 फास्टिंग आती सी, या 250 भी आती सी, तो अज मेरी वो 140 आ रही है, 120 आ रही है। तो मैं हूँ अपने आप को फिट गया महसूस कर रहा, और अज मेरा फस्ट फॉलोअप है, तो मैं अपना वेट इतने किया, तो मेरा अज 106 किलो वजन हो गया, यानी कि मेरा 10 किलो वजन घट चुका है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ डॉक्टर साहब का कि उन्होंने साडा ऑपरेट किया, तो सानू एक नवी जिंदगी दिती है। तो हूँ डॉक्टर साहब का एक नया सेंटर बन रहा है, वो मल्टी स्पैशलिस्ट है, तो फस्ट पंजाब का वो लैप्रोस्कोपिक रोबोटिक सेंटर बनना है। सगो सानू सबनों इत्थे आना चाहिए, सगो ईवन बाहरली जिहड़े कंट्रीज़ के भी लोग बैठे ने, वह भी इत्थे आके सारी फैसिलिटीज़ का अपना इस चीज़ों का फायदा चक सकते हैं। आपां हुण कितें बाहर जाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब का स्टाफ, ईवन इन्हां दा पूरा इनवायरमेंट इत्थे इन्ना वधिया कि असीं इत्थे रहे 8 दिन, सानू लगे ही नहीं कि असीं घरों बाहर रह रहे हैं। खाने वालों, हर चीज़ वालों सानू किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आई।
ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਡਾਇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਜੀ।